और इधर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया से तनातनी के बीच साउथ कोरिया की तैयारी तेज हो गई है। साउथ कोरिया ने शुरू की एंटी टेरर ड्रिल। नॉर्थ कोरिया के साथ जारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने आतंकवाद के खिलाफ तैयारियों को लेकर एक बड़ी ड्रिल की है। साउथ कोरिया की ओर से की गई इस एंटी टेरर ड्रिल में कई एजेंसियां शामिल हुई। ड्रिल को दक्षिण कोरिया के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रिल का मकसद खुद को उस खतरे से निपटने के लिए तैयार करना है जो उत्तर कोरिया उसके लिए बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी जल क्षेत्र की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया के गोयांग में हुई आतंकवाद विरोधी ड्रिल में देश के पुलिस, कोस्ट गार्ड, डिफेंस मिनिस्ट्री, फायर ब्रिगेड और खुफिया एजेंसी सहित कई सरकारी एजेंसियों के करीब 300 जवानों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री हान डक सू ने ड्रिल में शामिल एजेंसियों को याद दिलाया कि ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोगों की सुरक्षा करना देश का पहला और सबसे अहम कर्तव्य है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षणों से डरा हुआ है, साथ ही उसे डर है कि कहीं उत्तर कोरिया उस पर हमला न कर दे। इसी वजह से तैयारी के लिए दक्षिण कोरिया ये एंटी टेरर ड्रिल कर रहा है। और वहीं उत्तर कोरिया पर अमेरिका की अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी, एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो किम की सत्ता खत्म। पेंटागन ने किम जोंग को दी खुली चेतावनी। एटमी ध्वज दिखाने वाले किम जोंग को बड़ा झटका। उत्तर कोरिया की सन की तानाशाह किम जोंग उनको कोई भी मनमानी भारी पड़ेगी। बात बात पर मिसाइल और रॉकेट उड़ाने वाले किम को अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दे दी है। अपने परमाणु बम पर इतराने वाले सन की किम को अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर उसने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। किम जोंग ने पिछले दिनों कई मिसाइलों का टेस्ट किया। पश्चिमी देशों और दक्षिण कोरिया, जापान ने अंदेशा जताया है कि किम जोंग उन परमाणु परीक्षण कर सकता है। किम जैसा बददिमाग तानाशाह कब परमाणु बटन दबा दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए दुनिया सशंकित रहती है। यूएस सैन्य रणनीति से जुड़े दस्तावेज में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल आसान नहीं है। किम अगर ये सोच रहा है कि वो एटमी हमला कर बच निकलेगा तो ऐसा किम के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा करने पर किम जोंग की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किम के बारे में दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा संकी है। हो सकता है किम अमेरिकी धमकी का जवाब जापान या दक्षिण कोरिया के ऊपर से मिसाइल उड़ा कर दे, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी इरादे के बीच चीन खड़ा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।